दोस्तों आए दिन नागिन सेवन पर कमाल की अपडेट्स आती जा रही हैं। आए दिन इसके सेट से जो है नई नई पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और नागिन सेवन का खूब बस बना हुआ है और ऑडियंस खूब डिमांड कर रही है नागिन सेवन के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको नागिन सीजन 7 से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। और ये भी बताने वाला हूं कि नागिन सीजन 7 में हमें कौन सी न्यू नागिन देखने को मिलेगी, किसका नाम कन्फर्म हुआ है, कौन सी एक्ट्रेस हमें देखने को मिलेगी। तो ये सब आज की वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर मेरे चैनल टेलीवॉच पर नहीं तो मेरे चैनल टेलीवॉच को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेलीवॉच पर आपको ऐसे ही इंडियन टीवी शोज़ के रिलेटेड ऐसी कमाल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों नागिन सीजन 7 को ख़त्म हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन नागिन सीजन 7 पर अब तक कोई अपडेट नहीं आई थी। लेकिन कुछ महीने पहले ही काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है सेट से पिक्चर वायरल हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं कि नागिन सेवन में हमें कौन देखने को मिलेगा, कब आएगा नागिन सेवन, ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो मैं साथ साथ आपके साथ अपडेट्स शेयर करता जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई अपडेट शेयर करता हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी पिक्चर तो वायरल ही नहीं, शूटिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई और कोई ऐसी पिक्चर्स वायरल नहीं हुई। तो आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई शो आता है या बॉलीवुड मूवी आती है तो उससे पहले जो है वो मेकर जो है छोटी छोटी अपडेट्स सोर्सेस के जरिए जो है वायरल करते रहते हैं। कभी सेट से पिक्चर वायरल होती है, तो कभी कोई वीडियो वायरल हो जाता है, तो कभी कोई पिक्चर, कुछ भी हो जो सेट से वायरल करते हैं अपने शो का बस बनाने के लिए, ताकि इस मूवी या इस शो के लिए लोग एक्साइटेड हो जाएं और डिमांड करें। ऐसा करके वो अपने शो का प्रमोशन करते हैं, अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं और लोगों में बस बनाना चाहते हैं। तो ये सब मेकर्स को करना पड़ता है अपने शो के जो है बस बनाने के लिए। आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम आपको कोई गलत अपडेट देंगे। अगर अपडेट की बात करूँ कि कब हमें नागिन सीजन 7 देखने को मिलेगा, तो कुछ 2-3 महीने में हमें नागिन सीजन का प्रोमो भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि हमें नागिन सीजन 7 का प्रोमो जल्द ही 2-3 महीने में देखने को मिलेगा। अगर बात करूं तो सेट से एक दूसरी पिक्चर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, इसमें देखने को मिल रहा है कि नागिन सीजन 7 की जो है शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही, पहली भी एक पिक्चर वायरल हुई थी जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो अब एक दूसरी पिक्चर भी काफी ज्यादा सेट से वायरल हुई है। बात करें कि नागिन सीजन 7 हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो दोस्तों नागिन सीजन 7 हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगले 2-3 महीनों में हमें प्रोमो देखने को मिले और उसके बाद नागिन 7 की डेट रिवील करके नागिन 7 को स्टार्ट कर दिया जाए, तो हमें जल्द ही नागिन सीजन 7 देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि हमें नागिन सीजन 7 नहीं देखने को मिलेगा, हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो आपको बताते चले कि नागिन सीजन 7 का आना कन्फर्म है, क्योंकि जो नागिन सीजन 6 की टीआरपी थी वो काफी कमाल की थी। स्टार्ट से लेकर एंड तक नागिन सीजन 6 की टीआरपी 1.6-1.7 के अराउंड घूमती थी, कभी भी उसकी टीआरपी जो है डिक्रीज नहीं हुई, वो बड़े बड़े यार्डीज को टक्कर देता था। इतनी कमाल की टीआरपी जो है नागिन सीजन 6 की आती थी। तो जब इतना ब्लॉकबस्टर हुआ था नागिन सीजन 6, तो एकता कपूर क्यों नहीं लाएंगी नागिन सीजन 7 को, इतना आपको सोचना चाहिए। नागिन सीजन 7 इसलिए भी इतना टाइम बनने में रह रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे डिफरेंट होने वाला है। इसमें हमें सास बहू का ड्रामा नहीं देखने को मिलेगा। नागिन सीजन 7 का बजट और स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए नागिन 7 को बनने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अब आपका वेट ओवर होने वाला है और जल्द ही आपको नागिन सीजन 7 देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करूं कि हमें कौन सी एक्ट्रेस जो है नागिन सीजन 7 में नजर आएगी एज ए नागिन, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ईशा मालविया, आयशा सिंह, संबुत तौकीर खान, प्रियंका चौहर चौधरी, रिद्धिमा पंडित और बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस, जेनिफर वेंगेट और बहुत सी अलॉट ऑफ एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जिसका नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है उसमें रिद्धिमा पंडित का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन रिद्धिमा पंडित का नाम कन्फर्म दिखाई दे रहा है। एकता कपूर ने अपनी नागिन रिद्धिमा पंडित को चुना है, तो रिद्धिमा पंडित हमें एज ए नागिन नज़र आ सकती हैं। बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बहुत ज़्यादा बताया है। अगर मेल रोल की बात करूँ तो शक्ति अरोड़ा का नाम कन्फर्म हो चुका है और शक्ति अरोड़ा हमें एज अ मेन लीड नागिन 7 में देखने को मिलेंगे। तो नागिन सीजन 7 में हमें जो है रिद्धिमा पंडित और शक्ति अरोड़ा की जोड़ी नजर आएगी, देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप किसको देखना चाहते हैं न्यू नागिन के रोल में और एज अ मेन लीड एक्टर, मुझे कमेंट्स में अपनी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस का नाम जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट अबाउट नागिन सीजन 7। बाकी जो भी अपडेट्स नागिन सीजन 7 के हवाले से आती जाएंगी मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल टेलीवॉच को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आप सब मिस ना हो नागिन सीजन 7 के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।